हम आ गए जन्माष्टमी पे कान्हा जी का दर्शन करने के लिए इस्कॉन टेम्पल। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ये इस्कॉन टेम्पल और आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं इस्कॉन टेम्पल के पास और अब हमने कर लिया है एंट्री। हमने पहले भी इस्कॉन टेम्पल का पूरा वीडियो डाला है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पर तो भीड़ बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं हमारे कान्हा जी। नॉर्मल दिन की अपेक्षा जन्माष्टमी वाले दिन का नज़ारा देखिए इस टेम्पल का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मंदिर के पास पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया गया है। यहाँ पे दिन भर कुछ न कुछ प्रोग्राम हुआ है, अभी हो रहा है मंत्रोच्चारण का काम। और यहाँ पे देखिए यश को मिल गए हैं छोटे कान्हा जी, ये उनके साथ खेलने में पूरा व्यस्त हो गए हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं कितने श्रद्धालु बैठ के अपना मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तो हम सब भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज बनाई गई है, 108 फुट स्टेप है जिसपे आप बढ़ते जाएंगे और मंत्रोच्चारण करते जाएंगे। आगे किसी भी मंदिर में फोटो अलाउ बिल्कुल भी नहीं था, हमसे जितना बन पाया है हमने यहाँ का मनमोहक नज़ारा कैप्चर कर लिया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं मेन कान्हा जी के मंदिर में और करते हैं वहाँ का दर्शन। और जन्माष्टमी स्पेशल इस मंदिर को इतना सुंदर सजाया गया है जो कि आप देख सकते हैं, कैमरा अलाउ नहीं था लेकिन फिर भी हमने हल्की सी झलक ले लिया है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं नीचे की तरफ। और जैसे ही नीचे गए तो यहाँ पे एक शो चल रहा था 20 मिनट के लिए कान्हा जी का, जिसका टिकट प्राइस था 25 रुपीज। ये एनिमेशन शो है जिसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यस का एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। मूवी देखोगे? जाओ हमको बताना स्टोरी। हम लोग आ गए थिएटर के अंदर और ये देख सकते हैं आप, डबल स्क्रीन वाला थिएटर था ये। 25 रुपीज में और क्या ले लीजिएगा। रुक, तुम भी कान्हा जी की तरह बहुत शरारती हो ना, मम्मा को दिन भर परेशान करते हो। आगे आपको ढेर सारी दुकान मिल जाएंगी जिसमें आपको छोटे बड़े कान्हा जी के फोटो, मूर्तियाँ, हर लैंग्वेज का भागवत गीता, बच्चों के लिए कपड़े हो या फिर बुक हो, कलर बुक हो, आपको A to Z हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगा। शोपीस के लिए भी सामान आगे है, हर तरह की हर वैरायटी के बिना लहसुन प्याज के स्टार्टर्स जिसमें आप अपने पसंद का कोई भी चीज़ खा सकते हैं। हमने लिया दिल पसंद खाया और आप देख सकते हैं ढेर सारे आपको मिठाइयाँ, ढेर सारे आपको समोसे, वेज रोल, वेज पफ। तो हमने भी एक गर्मा गर्म वेज पफ ले लिया जो कि काफ़ी टेस्टी था। यहाँ का आप कोई भी स्टार्टर आप टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ढोकला हो, चाहे वो लेमन राइस हो, चाहे वो टैमरिंड राइस हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सब कुछ खा पी के हम निकल गए बाहर की तरफ। और बाहर मिल रहा था प्रसाद में दो तरह का हलवा, आप भीड़ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा था। तो हम लोगों ने प्रसाद खा लिया है और अब निकलते हैं घर की तरफ। और ये देखिए बाहर का पूरा व्यू है। मिलने लगा कान्हा जी का मूवी देख लिए? इसमें से कालिया नाग निकलेगा तो क्या करोगे? कैसे डांस कर करके उनके ऊपर, कान्हा जी जैसे मारे थे ना। निकलते टाइम
दिखा एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है अन्नाकूटा प्रसादम रेस्टोरेंट। यहाँ पे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको जो कुछ भी खाने का मन हो आप खा सकते हैं। तो आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो कैसा लगा? अगर जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, जिससे हमारी अच्छे अच्छे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।